सो हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर न्यू वीडियो, जिसमें आज मैं आपको अपने छत का, जहाँ से हम देखते हैं ब्यूटी एंड ऑल द थिंग्स, तो भैया जरा दिखाओ, जरा लोगों को एंगल दिखाओ। भैया ये क्या दिखा रहे हो? भैया भैया इसको हटाओ, इसको हटाओ भैया। ये खेती भाई, ये खेती है, रहने दो इसको, जरा थोड़ा साइड रखो। तो गाइस फाइनली हम अब चलते हैं नीचे। ये मेरा छत है यहाँ पे, जो है मतलब मैं पूरा हाफ फुल तो नहीं करा पाऊंगा, अपने थोड़ा छत पे करूंगा। यहाँ पे मेरा रूम है, आज हम चलते हैं नीचे की तरफ। आओ नीचे। नीचे थोड़े कपड़े रह सकते हैं, उसकी टेंशन मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर घर में होता है ये चीज़। तो ये चीज़ हर घर में है, ठीक है। तो चलो तो गाइस दिस इज माय सेटअप, जैसे कि देख रहे हैं सेटअप मेरा। ये मेरा मतलब अभी दिखा रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे करके, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपने सेटअप टूर की। और सेटअप टूर में अब मैं आपको बताऊंगा मेरे सेटअप रूम में क्या क्या पेरिफेरल्स हैं, जो भी मैं यूज़ करता हूँ, बताऊँ उन चीज़ों के बारे में। मैं आपको डिटेल मतलब थोड़ी सी डिटेल दूंगा, ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा। बाकी जो होगा मतलब प्रोडक्ट के रिव्यूज़ वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूँगा। फर्स्ट मैं आपको बता दूँ मेरे मॉनिटर के बारे में, जो कि मेरा पहला मॉनिटर है, गेमिंग मॉनिटर है, वो है इसका एसर का गेमिंग मॉनिटर है, 140 हर्ट्ज़ का मॉनिटर है, जिसके अंदर मतलब मैंने मतलब गेमिंग करता हूँ मैं। ऑल द थिंग्स जो मतलब गेमिंग की रिलेटेड सारी इसमें होती हैं चीज़ें, क्योंकि मतलब इसका जो रिस्पांस टाइम है ना वो बहुत अच्छा, 1 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम है, एंड 4 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, जो कि बिल्कुल स्मूथ मतलब गेम प्ले आप जब खेलेंगे ना एकदम मक्खन वाला गेम प्ले मिलता है। तो इसके अंदर गेमिंग होती है, मेरा जो पहला मॉनिटर है। बाकी सेकेंड मॉनिटर है मेरा बेंक्यू का मॉनिटर है, वेंटिलेटर 66 हर्ट्ज़ का है, जिसमें मैं चैट यूज करता हूँ, स्ट्रीम लैब्स OBS चलाता हूँ, और जो भी होता है अदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं गेमिंग के अलावा, जब मैं स्ट्रीमिंग के टाइम पे तो उस वाले का जो मॉनिटर पे रन करता हूँ। बाकी मेरा आप चलते हैं वेबकैम की ओर। ये मेरा है लॉजिटेक का वेबकैम, ये लॉजिटेक का वेबकैम मेरा लॉजिटेक का है C922 Pro, और जिसमें देख सकते हैं कि आप क्वालिटी जो मतलब वेबकैम जब भी मैं स्ट्रीम करता हूँ उसकी क्वालिटी नेक्स्ट लेवल क्वालिटी है। जब मेरे आपने देखा होगा स्ट्रीम पे, जब मैं मतलब इंटरमिशन वाले मोड पे रहता हूँ तो उसमें थोड़ा मतलब वो तो मैं यूज़ करता हूँ एनवीडिया ब्रॉडकास्ट, लेकिन जो होता है क्वालिटी मेरा जो ब्लर आता है पीछे बैकग्राउंड का वो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है ब्लर का, तो मैं उसके लिए C922 Pro यूज़ करता हूँ। मतलब एक तरह से बेसिक भी नहीं, मतलब एक तरह से मीडियम मान लो, मीडियम रेंज का जो है ये आपका कैमरा है, और मतलब इससे आप मतलब और भी चीज़ें कर सकते हैं, मतलब आप अगर कोई वीडियोस वगैरह बनानी मतलब नॉर्मली अपने जो अनबॉक्सिंग वीडियोस के लिए उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी मेरा हेडफोन है, ये है मेरा कॉर्सर का HS70 हेडफोन, जो कि मतलब बहुत ही बेहतरीन हेडफोन है, मैं इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। क्वालिटी जो है ना मतलब एकदम मतलब उनिंदा लेवल की क्वालिटी है हेडफोन की, मतलब कंफर्टेबल हेडफोन है, सही है। माइक है, मैं इसका इनबिल्ट माइक यूज़ करता हूँ, जो कि मतलब बहुत बढ़िया माइक है। आपने देखा ही होगा मेरे स्ट्रीम में क्वालिटी होगी माइक की। सब मुझसे पूछते कौन सा तुम माइक यूज़ करते हो, मेरे पास दो माइक है, मोनो का माइक भी है और ये वाला माइक भी है, लेकिन मैं बेसिकली अपना जो है हेडफोन का माइक यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे ये कंफर्टेबल लगता है, तो इसलिए मैं हेडफोन का माइक यूज़ करता हूँ। एंड इसके जो यहाँ पे जो है क्वेश्चन मतलब ये भी जो तुम्हारे हेड पे मतलब अगर हेड पे पेन ना होने के लिए उसके लिए मतलब ये लगे हुए हैं, इसमें कुशन काइंड ऑफ ये है, और इसके मतलब कुशन कप्स भी ये जो है ईयर कुशन कप्स बहुत ही मतलब कंफर्टेबल है। और मतलब माइक और हेडफोन दोनों मतलब मेरे ये है, मतलब माइक और हेडफोन के लिए दोनों में एक ही चीज़ यूज़ करता हूँ, मतलब कॉर्सर का HS70 बहुत ही मस्त है, इसमें मतलब 8-10 घंटे इसकी बैटरी चल जाती है। जो अदर माइक है मेरा मोनो का माइक है, ये जो है कंडेंसर माइक है, तो ये भी मुझे मतलब सस्ता ही पड़ा था, दिवाली के टाइम पे लिया था मुझे, मेरे को मतलब अच्छा माइक था, मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ देखे थे तो उसके हिसाब से मुझे अच्छा लगा था माइक, तो मैंने सोचा कि परचेज कर लिया जाए। परचेज तो मैंने कर लिया, लेकिन मैंने इसका यूज़ नहीं किया इतना कुछ भी, मतलब मुझे क्लीन सेटअप चाहिए होता, तो मैं अपने मतलब माइक को मैंने ट्राई किया था उसको ऊपर लगाने की, मैंने ऊपर माउंट कर रखा उस माइक को, तो मैंने ट्राई किया था कि ये थोड़ा मतलब ठीक लगेगा कि मतलब क्लीन सेटअप लगेगा, लेकिन उसमें वॉइस का थोड़ा सा इशू आ रहा था, वॉइस जो होती है वॉइस कम आ रही थी उसमें माइक में दूर से, तो मैं अभी इसलिए बेसिकली अपना यही हेडफोन का माइक यूज़ करता हूँ। इसमें USB टाइप केबल है जो आपके PC में कनेक्ट होती है, बिना किसी सॉफ्टवेयर के यूज़ होता है। अगर आपको इसमें जो मतलब बहुत बढ़िया माइक है, आपको कोई झंझट नहीं है सॉफ्टवेयर का, जैसे बड़ा माइक लेते हैं तो उसमें बहुत सारी झंझट आती है सॉफ्टवेयर की, आपको ये करना है वो करना है, तो इसमें कोई यूज़ मतलब कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना। सेकेंड चीज़ मेरे पास है Logitech G512 कीबोर्ड, जो कि Logitech का है, मतलब अच्छा कीबोर्ड है, काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है, लेकिन कॉस्टली है थोड़ा, लेकिन अच्छा कीबोर्ड है।
उसके अंदर आरजीबी लाइटनिंग है एंड मतलब उसकी जो कीज है वो मैकेनिकल कीज है। मैकेनिकल कीज मतलब उसके अंदर साउंड आता है अलग से, मतलब क्लिक की साउंड आता है। जो साउंड की क्वालिटी है एकदम मतलब कम्फर्टेबल, और मतलब एकदम आपको मतलब ऐसा मन करके दबाते रहो मतलब गलत वाला दबाते नहीं, वो वाला मतलब कीज दबाते रहो मतलब ऐसा लगेगा, ऐसा मन करता है इसमें। मतलब अच्छा कीबोर्ड है, काफ़ी क्वालिटी मतलब अच्छी है, मतलब मेटल की बैक प्लेट है इसके अंदर मतलब, और क्लिक की साउंड आता है, रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है इस कीबोर्ड का, तो मतलब ऑल द थिंग इसके अंदर बहुत अच्छी है। और लॉजिटेक का जो है मतलब सर्विस भी अच्छी है, क्योंकि मुझे कीबोर्ड मतलब मेरा जो होता है थोड़ा प्रॉब्लम थी, मेरे को रिप्लेस होकर दूसरे कीबोर्ड मिल गया था। एक आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, एनवीडिया ब्रॉडकास्ट नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है आजकल जो एनवीडिया का है। अगर आपको नॉइस सेपरेशन चाहिए, नॉइस सेपरेशन के लिए क्या करता है उसमें बैकग्राउंड वॉइस जो होती है आपकी वो रिमूव कर देता है एंड आपकी वॉइस आती है उसमें, लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग रेंज में काम नहीं करता। आपकी वॉइस भी अगर ज़्यादा दूर से बोलेंगे वो काम नहीं करेगा, लेकिन शॉर्ट रेंज में काम करता है। पहली चीज आती है मेरा माउस है, रेजर का माउस है। मैं एक मिनट आपको रेजर का माउस दिखा देता हूँ। A few inches later, रेजर का माउस लिया था ये वाला। वेट भी इसका इतना हैवी नहीं है माउस का, 6400 की मैक्स डीपीआई इसके अंदर है। बाकी इसके अंदर मतलब आठ बटन है इसमें, हाँ आठ बटन है। बाउंस डीपीआई कंट्रोल बटन है इसमें, बाकी साइड में दो बटन है जो कि मतलब आपके कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, एंड एक स्नाइपर बटन है जो कि बेसिकली आपको मतलब माउस में मिलता है लेकिन थोड़ा कॉस्टली वाले माउस में, जैसे लॉजिटेक G502 माउस में था, जो होता है मेनली स्लो डीपीआई करने के लिए आपको एकदम ही, जैसे मतलब कभी भी आप कुछ गेम खेलने हैं, आपको मतलब शॉट्स लेने हैं, मतलब एकदम मतलब आपको स्टिल होकर शॉट्स लेने हैं, तो मतलब उसके लिए आपका जो होता है स्नाइपर बटन उसके अंदर अवेलेबल है, जो लॉजिटेक के माउस के इसके अंदर, रेजर के माउस के अंदर अवेलेबल है। बाकी दो बेसिक माउस बटन होते हैं साइड में उसके, एंड बढ़िया माउस है अभी तक मैं मतलब चला रहा हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में, लेकिन अब बढ़िया माउस है। पहले लॉजिटेक का G502 यूज़ कर रहा था, लेकिन अब रेजर का यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा ट्राई करके देखते हैं कैसे। नेक्स्ट थिंग मेरी है ये, क्या बोल सकते हैं, राउटर। तो मेरा छोटा सा ही है राउटर, तो कोई वो नहीं है राउटर, ये टीपी लिंक का एक छोटा सा राउटर। अगर आप गेमिंग के लिए एक राउटर लेना चाहते हैं तो मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कोई महंगा हाईफाई राउटर जाके ले लीजिए। अगर आप सिंगल पर्सन है और आपको कोई मतलब इतना भी हाईफाई गेमिंग नहीं करनी है, आप एक सिंगल एंटीना राउटर ले देते हैं, क्योंकि आपको मेनली आपको क्या करना है, वायरलेस कभी भी यूज़ मत करना। वायरलेस कनेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए आप वायर कनेक्शन यूज़ कीजिए। अपनी लैन केबल जो भी होती है या वैन केबल जो भी होता है उसको अपने सीपीयू से कनेक्ट करके आप मतलब वायर कनेक्शन यूज़ कीजिए। अगर आपको 100 या 150 एमबीपीएस का नेट यूज़ करना है, देन आप ये छोटे मोटे राउटर यूज़ करते हैं, सिंगल एंटीना का। टीपी लिंक का मेरा राउटर है ये छोटा वाला, सिंगल एंटीना का, बहुत बेस्ट चल रहा है, मेरे को कम से कम 2-3 साल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। भाई समान जो नेक्स्ट जो चीज़ है अपने जो सेटअप टूल के अंदर, बहुत ही मेन चीज़ है जो सेटअप टूल के अंदर मेन, वो है मेरा सीपीयू, जो कि मतलब 20 लेवल का क्वालिटी, मतलब एक तरह से मतलब मैंने क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो मैंने मतलब एक अच्छा सीपीयू, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं मिलती है मुझे, कुछ कमी लगती ही नहीं है मुझे। तो मैं इसके अंदर बताऊँगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। जो मेरा पहले जो चीज़ है, मेरा जो प्रोसेसर है Ryzen 5 3600X, तो मैं इसके अंदर प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूँ। मदरबोर्ड इसके अंदर है Aorus का X570, वो वाईफाई मदरबोर्ड है, जो कि मतलब लेटेस्ट ही मदरबोर्ड है। 570 जो था ये Ryzen की 5 सीरीज के लॉन्च पे ही जब आया था ये मदरबोर्ड भी तभी लॉन्च हुआ था। बाकी जो इसके अंदर है मेरा ग्राफिक कार्ड का है 2060 सुपर है, Galaxy ग्राफिक कार्ड है, आज भी ग्राफिक कार्ड है, दो फैन के साथ आता है। मेटल बैक प्लेटिंग आती है उसमें, ताकि मतलब ठंडा रहे ग्राफिक कार्ड, तो वो इसके अंदर है। बाकी इसके अंदर मैंने एनटेक का जो है लिक्विड कूलर लगा रखा है, AIO लगा रखा है ड्यूल फैन वाला 240mm का, एंड मेरी एक SSD लगी हुई है, सैमसंग की SSD लगी है, NVMe 970 EVO Plus, जो 250GB की SSD है, बहुत सी फास्ट SSD है। उसको मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैं अपने जो बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह होता है, जैसे Adobe Premiere वगैरह जो भी एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं यूज़ नहीं करता एडिटिंग इतनी, लेकिन फोटोशॉप वगैरह हो गया या फिर स्टीमलैब्स या OBS जो भी मतलब एप्लीकेशन होते हैं गेमिंग से रिलेटेड हो गए, कुछ भी एप्लीकेशन हो गए, तो मैं इसके अंदर सारे स्टोर करके रखता हूँ, ताकि वो मतलब उसको जैसी ओपनिंग होती है, ओपन करने में इतना इजीली रहता है कि आपको कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो ओपन हो जाता है, क्योंकि वो जो SSD का जो रीड एंड राइट स्पीड होता है बहुत ही हाई होता है। वो भी मेरी SSD कौन सी, चिप वाली SSD, NVMe जो है M.2 होती है, वो चिप वाली SSD लगी हुई है। बाकी इसके अंदर एक 1 TB की हार्ड डिस्क लगा रखी है मैंने, वो आई थिंक WD की हार्ड डिस्क होगी, 1 TB की WD Blue है, वो हार्ड डिस्क लगा रखी है। बाकी दो मेरी रैम है इसके अंदर, जी एस की RGB 3200 MHz की दो रैम लगा रखी है मैंने, 8 GB की 16 GB रैम लगा रखी है, एंड दैट्स इट। इसमें और कुछ नहीं है, और ये बस इसके अंदर जो आपको दिखेगा मतलब इतना ज़्यादा अच्छा मटर है। ये कैबिनेट है एनटेक का, आई थिंक मुझे इसका नाम भूल गया, एनटेक का जो एक कैबिनेट है 600 सीरीज वाला कैबिनेट है, जहाँ तक मुझे याद है ये 600 सीरीज का कैबिनेट है।
बाकी आप देख सकते हैं सामने जो चीज़ें इसके अंदर आज भी कलर बहुत चमकता धमकता फैन इसके अंदर, मतलब मैं बताता हूँ कौन लगे इसके अंदर कितने फैन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैन है मतलब प्लस 2 उसके फैन है आप कार्ड के जो फैन है टोटल 8 फैन मान के चलिए, 8 फैन का जो है मतलब कूलिंग वगैरह जो है एकदम मस्त है इसके अंदर, सब कुछ एकदम बढ़िया भाई। और इसके अंदर हाँ सॉरी एक और चीज़ बताने भूल गया मैं, इसमें एनटेक की पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ, 750 वाट की जो पावर सप्लाई है गोल्ड वाली जो है सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई जो इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई केबल मैनेजमेंट के लिए कोई मैंने कोई एडिशनल केबल यूज़ नहीं किया है, जो नॉर्मल केबल्स आती है वही मैंने यूज़ किया है। बाकी जो था मेरे इन पूरे सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें थी मैंने उसके बारे में आपको मैं शॉर्ट डिटेल्स दे दी हैं, बाकी अगर कोई अगर वीडियो आएगी भी तो उसमें मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएंगी चीज़ें, तो मतलब एक तरह से मतलब पूरा प्रीव्यू एक तरह से जो होगा मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। बाकी इस वीडियो में बाकी इतना ही, तो गाइस अगर वीडियो को अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाकी मिलता हूँ मैं अगली लाइव स्ट्रीम में और वीडियो में, तो गाइस थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, एंड बता देना यार कमेंट में कैसा लगा वीडियो, जो भी हो सजेशन अगर आपके कोई सजेशन हो वो मुझे बता देना, बाकी गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।